हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोरावर क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चन जो भी पियाजे और वाइकोत्स्की पर बनते हैं, है ना। तो गाइस, इस सीरीज़ में ये आपकी सिक्स्थ वीडियो है। तो जो आपकी लास्ट वीडियो थी, आई थिंक फ्राइडे की वीडियो थी जो अंकित सर ने फ्राइडे को पब्लिश की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कुछ। और ये कि ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो है, काफ़ी बच्चों को डाउट है, और मतलब काफ़ी बच्चों को लगा कि ये शायद मैंने गलत करा दिया है, जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये डाउट क्लियर करने के लिए आपके स्क्रीन पर ये लास्ट वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन लिखा गया है। और एक क्वेश्चन और था जो क्वेश्चन नंबर वन था, फिजिकल नॉलेज और सोशल नॉलेज वाला, है ना। तो वो दोनों डाउट्स मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके। देखो, अगर मैं कुछ कभी भी मुझसे गलती हुई, देखो मैं भी इंसान हूँ, कभी गलती हो गई तो मैं आपको ज़रूर रेक्टिफाई करा दूंगी कि ये चीज़ मुझसे गलत हुई, और एक्सेप्ट भी करूंगी और आपसे माफ़ी भी मांगूंगी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, तो मैं थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि काफी बच्चों को इस पे डाउट हुआ था और काफियों को समझ में भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखो, हु बिलीव द ऑल हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको डाउट हुआ, यहां से आप लोगों ने लगा दिया पियाजे, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो सकती है गलतियां, तो हर किसी से हो सकती है, आपने पढ़ा हुआ है। एक बात मुझे ये बताओ, वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की वो कौन थे? वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। इन्होंने भी यही बोला है कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने भी ये भी इनकी थ्योरी को अगर मैं आपको बताऊं तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोला जाता है, या फिर सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है, सोशल कल्चरल या फिर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। तो कॉग्निशन से इनका रोल है भाई, बच्चा एक्टिव लर्नर कब होगा? जब वो सारे हायर मेंटल प्रोसेसेस करेगा तभी। तो ऐसा मत सोचिए कि वाइगोत्स्की ने रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ही नहीं करी है, भाई उन्होंने सारी बात करी है। जो पियाजे कहते हैं ना कि बच्चा सब कुछ कर सकता है, वो वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि वो कर सकता है, लेकिन बस वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि इसमें सोसाइटी का रोल ज्यादा होता है। मीन्स सोसाइटी जो है बच्चे को फैसिलिटेट करती है, बच्चे के साथ, बच्चा जो है सोसाइटी की चीजों के साथ फैसिलिटेट, मतलब इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जहां पर बच्चा अपने दम पर करता है। मतलब उनका कहना था कि ऑब्वियसली कि पीयर्स जो होते हैं, या हम सोसाइटी से एक नॉलेज हमें मिलती है, जैसे कि अगर आपका नाम है, आपका नाम आपको कहाँ से पता चला? ऑब्वियसली आपको सोसाइटी से पता चला ना, आपके रिलेटिव्स आपको उस नाम से बुलाने लग गए। तो बच्चे को ये जो नॉलेज मिली कि मेरा नाम ये है, ये क्या नॉलेज हो गई? ये सोशल नॉलेज हो गई जो उसको सोसाइटी से मिली, ठीक है। लेकिन जो बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपने आप नॉलेज, वो उसमें उस बच्चे का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर हम सोसाइटी और बच्चे के उसमें कंपेरिजन करें तो। ये पियाजे कहते थे, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, आप समाज से तो अलग कर नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज बता दो, जिन्होंने लिखा था कि सोशलिज्म बताया है इन्होंने, तो सोशलिज्म नहीं बताया भाई, समाजवाद की बात नहीं करी है वाइगोत्स्की ने। उन्होंने ये बोला है कि बच्चे की लर्निंग में सोशल सोशल एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जिन बच्चों को ये कंफ्यूजिंग था कि ये भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो पियाजे होना चाहिए, रीजनिंग आ गया तो पियाजे होना चाहिए, आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा, इसमें ये पूछा गया था कि जितने भी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये साइकोलॉजिकल टूल्स के द्वारा मीडिएट किए जाते हैं। मतलब इनको अचीव करने में साइकोलॉजिकल टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, ये किसने कहा था? तो ऑब्वियसली वाइगोत्स्की ने ये कभी नहीं कहा कि रीजनिंग नहीं करता बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता, सब कुछ कहा है उन्होंने भी, वो भी एक, मतलब मैं कहूंगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोसेसेस को, जो हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज भी आती है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने शायद क्वेश्चन ढंग से समझा नहीं, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रही हूं जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जस्ट आपको क्लियर कर रही हूं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर वाइगोत्स्की होगा गाइस, ठीक है। और अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो लोरा ई बर्क, दो बुक्स बता रही हूं, लोरा ई बर्क एंड अनीता वुल्फोक, ठीक है, अनीता वुल्फोक, ये है पियर्सन पब्लिकेशन की, और ये मुझे पब्लिकेशन याद नहीं है। आप इन दो, अगर आपको पियाजे वाइगोत्स्की क्लियर करना है ना, इन दोनों बुक से अगर बाहर से कुछ भी मिल जाए आपको ऐसा पियाजे वाइगोत्स्की के बारे में बेटर, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मतलब इतनी बेस्ट बुक्स हैं ये, लोरा ई बर्क एंड अनीता वुल्फोक, बहुत मोटी मोटी बुक है। इवन लोरा ई बर्क इज द बेस्ट बुक फॉर साइकोलॉजी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोरा ई बर्क को पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब इतना अच्छा, सारी डेवलपमेंट की चीजें इसमें इतनी अच्छे से क्लियर की गई है कि आपको कहीं और मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। अब जहां तक सोशल नॉलेज और वो वाला क्वेश्चन की बात थी, तो मैं आपको बताऊं कि पियाजे ने सोशल नॉलेज,
ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था लॉजिको मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिको मैथ्स होगी। और तीसरी नॉलेज मैंने आपको बताई थी फिजिकल नॉलेज, ठीक है। ये तीन पियाजे ने दी है, लिंग्विस्टिक नॉलेज नहीं दी है। जिन बच्चों को लग रहा है कि लिंग्विस्टिक आंसर होगा, मैडम लैंग्वेज के बारे में तो बोला है, भाई किसने मना किया कि नहीं बोला है, उन्होंने बात की है लैंग्वेज के बारे में, लेकिन लैंग्वेज का डेवलपमेंट में रोल जो होता है उसके बारे में उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ये बात हुई थी, ठीक है। और तीन तरह की नॉलेज दी है, एक नॉलेज जो हमें सोसाइटी से मिलती है, ठीक है, ऑब्वियसली जब हम पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, रिलेटिव से इंटरेक्ट करते हैं, जो सोशल, आपको पता है कि 15 अगस्त जो है कब मनाया जाता है भाई, उस वो इंडिपेंडेंस डे जो होता है उसको 15 अगस्त बोलते हैं, ये हमारी सोशल नॉलेज है, ठीक है। हमें सोसाइटी से, हमें हमें क्या पता था कि 15 अगस्त क्या है, लेकिन हमारे सोसाइटी में या सोशल इन्वायरमेंट में चीज़ इतनी ज़्यादा उजागर है कि हम लोगों को पता चल जाती है, कभी फ्रेंड्स के थ्रू, कभी टीचर्स के थ्रू, दिस इज सोशल नॉलेज, ओके। फिजिकल, आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जितनी भी नॉलेज है, ये पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, ठीक है, ये आपकी फिजिकल नॉलेज है। उसके बाद अगर लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज की बात करें, तो जितने भी आप ऑपरेशंस लगाते हैं अपने रियल लाइफ में, ठीक है, या फिर आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं, या फिर कोई भी डीलिंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ गई ना यहाँ पर, आप डीलिंग करते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दिस इज ऑल योर लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज। तो लिंग्विस्टिक नॉलेज मतलब भाषाई ज्ञान कुछ अलग से होता है, ये पियाजे ने नहीं कहा था, ठीक है। तो ये दो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है, आई होप कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। लेवल वही है, देख लेते हैं मॉडरेट होगा कि कैसा होगा, इजी लेवल, बस मेरा बस यही पर्सपेक्टिव है कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस बिगन इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कब शुरू होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर पढ़ो और फटाफट इसका आंसर करो। व्हेन हिज मिस्टेक इज रेक्टिफाइड थ्रू लिसनिंग प्रोसेस, वैन दे आर कॉग्निटिवली प्रिपेयर्ड और वैन टोल्ड, ठीक है, जब उनकी गलती सुधारी जाती है सुनने की प्रक्रिया के जरिए, या फिर जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं, या फिर जब बताया जाता है, तो लैंग्वेज लर्निंग कब होती है, ठीक है, ये आंसर करना है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, कॉग्निटिवली रेडी होते हैं, ठीक है। और ये किसने बोला है, ये बोला है पियाजे ने, ठीक है। देखो पियाजे ने मैच्योरेशन की बात करी है, उन्होंने ये बोला है कि बच्चा जब तक कॉग्निटिवली रेडी नहीं हो जाता, जब तक वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता कि भाई वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए मतलब एक तरह से मैच्योर नहीं हो जाता उस स्टेज तक, मतलब एक बच्चा है ना, जैसे मान लीजिए सपोज एक जो बच्चा इवन 0 to 6 month का बच्चा लगा लो, ठीक है। अब मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है इस बारे में कि छोटे बच्चे पर्टिकुलरली क्या बिहेव करते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है कभी कीनली, लेकिन अगर आप कोई जनरल जो मैंने बुक्स के थ्रू नॉलेज ली है उसी के आधार पर बता रही हूँ, 0 से 6 साल का बच्चा है, अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं आप एक मतलब एक वर्ड पूरा बोल के दिखाओ, एक सेंटेंस बोल के दिखाओ, क्या ये बच्चा बोल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो कॉग्निटिवली रेडी नहीं है, वो अभी इतना मैच्योर हुआ ही नहीं है, उसकी एज ही नहीं आई है उस टाइप की। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे को पहले कॉग्निटिव रेडी होना बहुत जरूरी है, जब तक वो कॉग्निटिवली रेडी नहीं होता, संज्ञानात्मक रूप से वो तैयार नहीं होता, मेंटली वो रेडी नहीं होता, तब तक वो कोई चीज सीख नहीं सकता। और लैंग्वेज का भी सेम केस है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग तभी होगी जब आप कॉग्निटिवली रेडी होंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन मेरे को डीएसएसबी के एग्जाम से मिला था, इसलिए मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन, ओके। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा रिलेटिव है, पियाजे वैगोत्स्की से समथिंग रिलेटेड टू देम, तो इसलिए मैंने ये लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द थ्योरी थिंकर हु सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। तो ये आपको बताना है कि भाई किस थ्योरी थिंकर ने ये बोला है, कि जिन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अपने आपसी विमर्श के कारण होती है, मतलब इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का एंड सॉरी बायोलॉजिकल मैच्योर इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब कि आपकी जैविक परिपक्वता और आपका वातावरण यानी कि आपका पर्यावरण दोनों इंटरैक्ट करते हैं, तब जाके जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो ये किसने बोला है, इसका आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बता देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी पियाजे, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की या कॉग्निटिवली रेडी रेडीनेस की बात करते हैं, ठीक है, जब भी आपको रेडीनेस वर्ड दिख जाए ना तब भी समझ लेना कि ये पियाजे बात करते हैं रेडीनेस के बारे में, मतलब बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए भाई, ठीक है, मेच्योर होना चाहिए इतना, उसमें जैविक रूप से परिपक्व हो जाना चाहिए कि हाँ अब ये टास्क करने के लिए वो तैयार है। आपको पता है कि डेवलपमेंट की उनकी स्टेजेस थी, है ना, हर स्टेज के अलग टास्क हैं और हर स्टेज की एज भी अलग है, उन्होंने एज इसीलिए तो दी है कि भाई इस एज का बच्चा ये कर सकता है, इस
स्टेज का बच्चा ये कर सकता है। अगर इस एज पे पहुंचे, अगर आप इस नीचे वाली स्टेज के 0 से 2 साल के बच्चों को आप अगर 3 से 7 साल की उम्र तक के कार्य देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए। तो ये बात की है पियाजे ने। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि इंटर एनवायरमेंट का रोल मैडम सोशल, क्योंकि तो वाइगोत्स्की ने कहा है। आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है कि बायोलॉजिकल मैच्योर होगा और फिर एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। भाई एनवायरमेंट में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, आपका फिजिकल पूरा वर्ल्ड आपका एनवायरमेंट कवर करता है। और पियाजे ने फिजिकल नॉलेज की बात की है, भाई अपने आसपास से सीखेगा। लेकिन पियाजे का रोल ये था कि बच्चे इस पूरे केस में जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है, मतलब उसकी सेंसेस उसका परसेप्शन ज्यादा एक्टिव होता है बजाय कि सोसाइटी के रोल के, या फिर बजाय कि उसके आसपास की चीजों के। बच्चा ज्यादा एक्टिव है, वो एफर्ट्स करता है, तब वो सीख पा रहा है। ओके, तो ये है। और ये क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन बनाए हैं कुछ, मतलब एक दो शायद मैंने बनाए हैं, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि काफ़ी पहले बना चुकी हूँ। और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके DSSB एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब DSSSB का जो PRT का एग्जाम होता है उसमें से आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोग्रेस इज मेड थ्रू सोशल डिस्कोर्सेज बाय होम विच दिस थ्योरी वॉज गिवन। तो फटाफट बताओ कि संज्ञानात्मक प्रगति सामाजिक विमर्श के माध्यम से की जाती है, ये किसने बोला है। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत, है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा वाइगोत्स्की, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, मैंने कहा कि वाइगोत्स्की ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी है, आप इसको सोशल कल्चरल थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाम एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये कॉग्निशन जो है इसको लेकर आप पियाजे में कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी उन्हें दी है, मतलब सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, या फिर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा था कि जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, इन कॉग्निटिव प्रोसेस में आपके हायर मेंटल प्रोसेसेस भी आ जाते हैं। दोबारा ये बोल रही हूँ, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब वाइगोत्स्की भी इन सब की बात करते हैं। लेकिन उनका मतलब तरीका अलग है कि भाई इनमें ज़्यादा रोल किस चीज़ का है, जिसमें वो समाज को, कल्चर को, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इज मेड बाय सोशल डिस्कोर्स, ठीक है। तो मतलब कि सामाजिक जो आपका विमर्श होता है, सामाजिक डिस्कोर्सेज होते हैं उनके थ्रू, मतलब सामाजिक रूप से जब आप जितना इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, अपने पीयर से, या फिर जो भी प्रोसेस होते हैं जिसमें उन्होंने ZPD की बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है ना, इन सब प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चा कॉग्निटिव प्रोसेस करता है। तो ये बोला है वाइगोत्स्की ने। ओके, आई होप कि डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्टेड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन ह्यूमन। चलो आंसर करो इसका फटाफट से, कि किस थियोरिस्ट ने जो है सपोर्ट किया है कॉग्निटिव कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को ह्यूमन में, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि वाइगोत्स्की और पियाजे के ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखा है कि अब लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं इसका। तो भाई कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता है चलना चाहिए। देखिए जब हम सिंपली चल रहे हैं, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है, धीरे 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 क्रमिक विकास होता जा रहा है और कंटिन्यूटी है, कोई भी आपको डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब मैं यहाँ बात करूँ, मैंने अभी पियाजे का वो बताया था ना स्टेज वाइज स्ट्रक्चर, तो देखिए ये होती है डिसकंटिन्यूअस और ये होती है आपकी कंटिन्यूअस। इसको हम कह सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है, और इसको कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। पूरा नहीं लिखती हूँ क्योंकि बहुत मतलब राइटिंग खराब है थोड़ी सी, गाइस सॉरी, प्रोग्रेस कर रही हूँ अपनी राइटिंग पर बट थोड़ा हो जाता है। तो देखो पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे जो हैं जितने भी जिन भी थ्योरिस्ट ने स्टेजेस दिए ना, बस इतना समझ जाना, जिनकी भी स्टेजेस हैं वो सभी डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं और जिन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर बात की है कंटिन्यूअस की तो सीधे सीधे आप लगा दीजिए वाइगोत्स्की, ठीक है। अब समझाती हूँ थोड़ा सा। देखो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होती है, कि विकास का क्रम जो है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टेजेस नहीं है कि इस उम्र का बच्चा ही यहाँ तक पहुँच पाएगा, उम्र का यहां तक पहुंच पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा जो है किसी के सपोर्ट के साथ कुछ बेटर कर पाता है तो वो ऑब्वियसली धीरे धीरे चल के उस लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहना था, जैसे ZPD की बात करते हैं, वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग की बात कर रहे हैं, कि आपका एक लेवल है, आप यहां पे हैं, आपको यहां तक पहुंचना है। सपोज आप यहां पर हैं, आपको यहां तक पहुंचना है थोड़ा सा, तो कुछ लोगों की मदद से वो धीरे 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 यहां तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसको एक एज की स्टेज पार नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं भाई अब उसको इतने साल का होना जरूरी है तभी वो वहां पर जा सकता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस और स्मूथ
स्मूथ प्रोसेस चलता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। जबकि पियाजे कहते हैं कि हर स्टेज को पार करने की एक एज होती है, ठीक है, आपने जैसे ही स्टेज को पार किया, आपने इतनी एज को पार किया, फटाफट से स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आपने ये इस स्टेज के सारे टास्क आपने कंप्लीट कर लिए, फिर आप फटाफट से इस स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो पियाजे जो है वो डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये एक स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में काफी रिस्क होते हैं, ठीक है, मतलब हर स्टेज के कुछ कुछ अपने रिस्क होते हैं, और उसके बाद अगर आप उनको ना, जब तक आप इस स्टेज को पार नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे, आप फिर सीखोगे फिर सीखोगे, उससे पहले आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है, मतलब कि आपको कॉग्निटिवली जो है वो बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जैसे कि उन्होंने अपनी डिस्टिंक्शंस की थी, जैसे कि 3 से 7 साल के लिए कर दी थी, ठीक है, 0 से 2 थी, फिर 7 to 11 थी, मतलब ये वाली चीजें, तो मतलब 7 साल का, अगर 6 साल के बच्चे को आप यहाँ पर, मतलब उसमें इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज है कि वो यहाँ 7 साल की उम्र के बच्चे का काम कर रहा है, फिर भी पियाजे कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो 7 साल की उम्र होगी तभी वो उस स्टेज पर पहुंचेंगे, ठीक है, मतलब कॉग्निटिवली उसको रेडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं, मतलब कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पियाजे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, भाई पियाजे दूसरों से किस तरह से भिन्न है ये बताना है आपको, ठीक है, किस मामले में अलग है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट रेदर देन टीचिंग, मतलब वो शिक्षण के बजाय विकास पर केंद्रित हैं। इट बिलोंग्स टू ऑल लर्नर्स, उनकी थ्योरी जो है सभी लर्नर्स के लिए, सभी शिक्षार्थियों से संबंधित है। इट फोकसेस ऑन लर्निंग इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब एक पर्टिकुलर किसी विशेष व्यवहार को सीखने के लिए उनकी थ्योरी है। दिस थ्योरी प्रोसेस एक जनरल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर कंसेप्ट और आइडियाज, मतलब उनकी थ्योरी जो है ग्रेजुअल, मतलब क्रमिक विकास की, क्रमिक वृद्धि का प्रस्ताव करता है। अब पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैं समझाती हुई आ रही हूं आपको, तो ये क्वेश्चन आपको इजी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पियाजे किस तरह से डिफरेंट है। देखो ये सारे लर्नर्स की बात करते हैं, तो भाई सारे लर्नर्स की सब लोग बात करते हैं, वाइगोत्स्की की भी बात करते हैं, ठीक है, तीन मतलब आप हर स्टेज की बात करते हो, आपने एक बच्चे का जो चाइल्डहुड का पूरा पीरियड होता है, उससे अडल्टहुड, फिर एडोलोसेंस हो गया, सॉरी एडोलोसेंस पहले आ गया फिर अडल्टहुड आ गया, ठीक है, थोड़ा गलती से बोला गया हो, तो इस तरह से पूरी स्टेजेस की बात करते हैं सभी लर्नर्स की, तो ये तो सभी करते हैं ना, तो पियाजे डिफरेंट कैसे हुए, है ना, तो ये नहीं हो सकता। ये लर्निंग पर, इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर पर बात करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक बिहेवियर पर, लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर भी बहुत लोगों ने बात की है। ग्रेजुअल इंक्रीज, तो ये तो पियाजे बात करते ही नहीं है, वो तो ग्रेजुअल कभी कहते ही नहीं है। मैं क्रमिक विकास की बात नहीं करी उन्होंने, वो मतलब कि उन्होंने कहा था कि पूरी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्रमिक रूप से नहीं होती है, वो स्टेज वाइज होती है, ठीक है, मतलब एक स्टेज को पार करके दूसरी स्टेज पे आपको जंप करना पड़ता है, इस तरह से कहते हैं। तो रुकावटें भी होती हैं, कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो क्रमिक विकास तो नहीं कहते हैं वो, ठीक है। तो अब बात आई है आपकी, इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट रेदर देन टीचिंग। अब मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने क्या कहा था, जब बच्चा कॉग्निटिवली रेडी हो जाएगा तो वो अपने आप अपने स्टेज की चीजें सीख जाएगा, ठीक है, इसमें आपको टीचिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और पिछली जो वीडियो थी वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो टीचिंग से ज्यादा जो है उस पर फोकस करते हैं बच्चे पर, ठीक है, वो टीचर को ट्रेन करने पर फोकस नहीं करते, वो बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाने पर फोकस करते हैं, कि बच्चे को आप इतना एनवायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, वो सारी मतलब कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए, वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दीजिए उसको, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स दीजिए ताकि वो चीजों को मैनिपुलेट कर पाए और खुद सीख पाए, ठीक है। तो बच्चे का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं, और इसी वजह से वो कहते हैं कि डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा अगर विकास कर पाएगा, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगी, तो वो अपने आप उस स्टेज के टास्क सीख लेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा वो करने की टीचिंग की, ठीक है। तो वो ये कहते हैं, हालांकि देखो कोई भी थ्योरीज जब कोई बात करते हैं तो उनकी, उनको काउंटर करने के लिए दूसरी थ्योरीज आ जाती हैं, है ना, हर कोई क्रिटिसाइज करता है, आप में से भी, हम भी अगर माने तो हमें भी कुछ पियाजे की चीजें गलत लग रही होंगी, ठीक है, हमें कुछ चीजें वाइगोत्स्की की गलत लग सकती हैं। तो कोई भी थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, उसकी क्रिटिसिज्म हमेशा होता है, ओके। रॉबिन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, 6th क्वेश्चन। रॉबिन अ क्लास 2nd स्टूडेंट इज अटेंटिवली वॉचिंग एनिमल्स ऑन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ठीक है, भाई रोहन जो है एक क्लास सेकंड स्टूडेंट, दूसरी क्लास का बच्चा है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहा है, काफी अच्छी बात है। ही ऑब्जर्व न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड एड देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी, ठीक है, कुछ नई प्रजातियां देखी उसने एनिमल्स की और फिर उनको अपनी मेमोरी में ही वो स्टोर करता गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, ये बताना है आपको। चलो फटाफट से आंसर करो इसका, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप बता दोगे, सॉरी इट्स बी, ये इक्विलिब्रियम हो गया, इट्स बी इक्विलिब्रियम, ठीक है।
देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिमिलेशन, ये प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, आत्मसातीकरण होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग ग्रुप में उसने ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता है कौन सा एनिमल देखा क्या देखा, बस उसके दिमाग में कुछ पहले से स्कीम्स थी कि नहीं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, सपोज कोई एनिमल्स उसने देख रखे थे, अब उसने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जब देखा तो उसमें कुछ उसी तरह के सिमिलर एनिमल्स देखे, हो सकता है उसने डॉग देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने फॉक्स देख लिया यहाँ पर। ठीक है, फॉक्स देख लिया, फॉक्स के अलावा कुछ और देख लिया, मतलब ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, सपोज उसने डॉग देखा हुआ है। ठीक है, डॉग तो गली के मतलब जो डॉग्स होते हैं उनको तो ऑब्वियसली सब देखते हैं, पेट भी होता है, लेकिन जंगल के वाइल्ड डॉग्स कुछ अलग होते हैं, फिर फॉक्स अलग होती है, लेकिन लगती तो डॉग जैसी है ना, मतलब तो बच्चे ने फॉक्स देख ली, एक नई प्रजाति देख ली, लेकिन उसने देखा अरे ये तो डॉग है, और उसने फटाफट से फिट कर लिया दिमाग में, हाँ ये तो बिल्कुल डॉग जैसी लग रही है। ठीक है, फिट कर लिया उसने। ठीक है, दैट मीन्स कि एग्जिस्टिंग स्कीम में ही उसने उसको फिट कर लिया। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। ठीक है, या फिर सपोज उसने डॉग ही देखा है, लेकिन उसने किसी जंगली डॉग को देख लिया हो जिसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज था, लेकिन लग वो डॉग ही रहा था, तो उसने एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड कर लिया। मतलब एग्जाम्पल कुछ 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 भी हो सकते हैं, है ना। तो उसमें चेंज नहीं किया, उसने कर लिया अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया कि हाँ भाई अब ऐसा स्पीशीज एक और मैंने देख लिया है। ठीक है, तो दिस इज एसिमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका थोड़ा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो जाता है। तो यानी कि एसिमिलेशन, अकोमोडेशन कब होता, अगर वो चेंज कर लेता। ठीक है, सपोज उसके पास कोई बैठा होता, उसको चेंज करवाई देता कि नहीं आटा, सपोज वो एलिफेंट देख लेता। ठीक है, अब वो इसको तो डॉग नहीं कह सकता ना, अब उसको एक नई स्कीम जनरेट करनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि एलिफेंट इज अ डिफरेंट एनिमल, है ना। तो ये एक चेंज होता तो ये अकोमोडेशन होता। ठीक है, स्कीमा मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ, जो भी आप जानते हैं, एवरीथिंग यू नो इज स्कीमा। ठीक है, जो भी स्कीमा है, आपका सुनने का स्कीमा है, आपका पढ़ने का स्कीमा है, आपका पानी पीने का स्कीमा है, आपका फोन चलाने का स्कीमा है, ये सब स्कीमा है। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर बैलेंस हो गया है। ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड कर लिया तो ये बैलेंस हो गया, तो बैलेंसिंग प्रोसेस जो होता है उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं होता, अगर एग्जिस्टिंग ग्रुप में जो है वो ऐड नहीं कर पाता, उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये क्या देख लिया मैंने, फिर वो कहां बैलेंस नहीं होता, फिर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता। और ये असंतुलन की प्रक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता, फिर वो किसी अपने बड़े पेरेंट से पूछता, बड़े भाई बहन से पूछता कि ये ऐसा क्यों है, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा है, इस जैसा तो मैंने ये देखा हुआ है। फिर वो रेक्टिफाई करते कि नहीं अब ये नई चीज है, इसको आप जानो कि ये अलग डिफरेंट एनिमल है, ये ऐसा है, तब उसका संतुलन बनता थ्रू एकोमोडेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस जो है वो इन दोनों से ही होता है। ठीक है, एसिमिलेशन अकोमोडेशन, अगर इन चीजों में एडजस्टमेंट हो जाता है तब इक्विलिब्रियम होता है। एडजस्टमेंट नहीं हो पाता जब वो स्कीम जो है पुरानी स्कीम में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाती है, तब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, लेकिन फिर से वो इक्विलिब्रियम जो है बच्चा कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मतलब अपनी नॉलेज या अपने ज्ञान को विस्तारित करके या फिर किसी और की हेल्प लेके। ठीक है, वो उसके पीयर्स भी हो सकते हैं। वही तो कहते हैं कि पियाजो को क्रिटिसाइज इसीलिए तो किया जाता है, मतलब हालांकि उनकी क्रिटिसिज्म काफी चीजों पर है, लेकिन देखो ना उन्होंने कहा कि एडल्ट्स का रोल नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट, पीयर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेम एज ग्रुप के जब क्लैश करेंगे तो उनके साथ जब वार्तालाप करेगा बच्चा तो उसको थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा तब वो करेगा। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे वाइगोत्स्की की थ्योरी ज्यादा करेक्ट लगती है, अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूँ तो, है ना। देखो सोशल को हम सोशल एनवायरमेंट को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम अपने बड़ों से और उनसे ज्यादा सीखते हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज होती है ना, मतलब जिनके पास कम नॉलेज होगी उनसे सीखने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। वैसी लर्निंग हम कर सकते हैं कि ठीक है आपने किसी की अच्छी क्वालिटी सीख लिया, वो सीख ली, तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको मिक्सचर चाहिए, पियाजे प्लस वाइगोट्स की, दोनों को डिटेल में पढ़ के तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा शायद, अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलोसेंट्स कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम एंड दिस इज कॉल्ड। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो एडोलोसेंट्स होते हैं यानी कि किशोर होते हैं, कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, तो वो ऐसे ऐसे वेरिएबल्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं जो किसी भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बताओ। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है यानी कि फोर्थ स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन बच्चा करने लग जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, देखो हाइपोथेसिस क्या होती है, जब आप किसी चीज, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस के लिए आपने कुछ हाइपोथेसिस बना ली कि ये हो सकता है, मतलब आपने पहले प्रॉब्लम के बारे में बना ली कुछ हाइपोथेसिस कि ऐसा हुआ होगा कि इस वजह से ये चीज है, फिर आप सॉल्यूशन
की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं, इंडक्टिव नहीं है, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपने एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, उससे काम नहीं चला, आपने दूसरा अप्लाई किया, उससे भी काम नहीं चला, आपने तीसरा अप्लाई किया, चौथा किया, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन के साथ आते हो, ठीक है। इसमें आप एक जगह फिक्स नहीं होते हो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में आप तरह तरह की चीजें आजमाते हो और तरह तरह से सोचते हो, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, आप यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो उन चीजों का भी जो आपने कभी पहले सुनी ना हो, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ आते हो, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और फिर अपनी जो आउटकम है उसको अफेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी परिणाम होंगे उनको प्रभावित करेंगे, ऑब्वियसली जब आप अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ आएंगे और जो आपका फाइनल आउटकम होगा उसको आप प्रभावित तो करेंगे ही ना। आपने कुछ हाइपोथेसिस अपने दिमाग में बना ली है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप टेस्टिंग करेंगे तो कुछ और परिणाम निकल कर आएंगे आपके, और फिर आप इनमें से एक बेटर सॉल्यूशन जो है अप्लाई करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। देखो क्या होता है ना, अगर आपको हाइपोथेसिस कंफर्म नहीं हुआ है तो आप पहले से ना प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब एक तरह से कल्पना ही होती है, ये तरह एक तरह की, ठीक है। आप कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो ये कल्पनाएं ही हैं, ये आप प्रिडिक्ट करते हैं और उस इन प्रिडिक्शन के आधार पर जो है आप अपने मतलब परिणाम निकालते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट करती हैं आपके किसको, आपके आउटकम को कि क्या होगा, क्योंकि आपने एक सोच बना ली है पहले से ही, ठीक है। अब वो सोच कितना अप्लाई होती है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है तो उसको ये पता होता है कि हाँ भाई इतने एस्पेक्ट हो सकते हैं प्रॉब्लम को, इसको एक तरह से नहीं, इसको काफी एंगल से जो है देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब एक ही बात को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है तो उसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिस्टॉर्टेड इमेजेस ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेल्फ एंड पीयर्स इन एडोलेसेंस, तो ये आपको बताना है, तो इसका फटाफट से आंसर करो। यानी कि पियाजे, ओह गॉड ये टाइपिंग एरर, इसका मतलब पियाजे, ठीक है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किशोर अवस्था में स्वयं और साथियों के बीच संबंध की विकृत छवियों में से एक है, ठीक है। ये बताओ फटाफट से, अगर आपने पढ़ा है पियाजे अच्छे से तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, और मैंने शायद एक दो वीडियो में आपको बताया भी है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। देखो इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर करके बताया गया है, ठीक है। ये मैंने खुद ही बनाया क्वेश्चन, सच बताऊं तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में दे दिया आपको, है ना। इनमें से कौन सा डिस्टॉर्ट द रिलेशन सेल्फ और पीयर्स के बीच जो है ये डिस्टॉर्टेड इमेज, मतलब एक तरह की ऐसी विकृत छवियां बन जाती है। देखो एडोलोसेंट्स को लगता है कि उनके सामने जो ऑडियंस है, मतलब उनको लगता है कि एक ऑडियंस उनके सामने हमेशा प्रेजेंट है, क्योंकि वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं, है ना। सब मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा पहन लिया है, गंदा पहन लिया, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, पीयर्स हमारे क्या कहेंगे, मतलब हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये आपने क्या पहन लिया, अरे यार ये तो पार्टी के हिसाब से नहीं है, तुम तो बहनजी लग रही हो, या जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंट्स जो भी करते हैं ना, मतलब वो बहुत कॉन्शियस होते हैं हर चीज के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि हर कोई उनको देख रहा है, एक इमेजिनरी ऑडियंस, एक काल्पनिक दर्शक उनके साथ साथ चलते हैं, होते नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उनको लगता है, वे कल्पनाएं करते हैं कि नहीं सब मुझे नोटिस करेंगे, ठीक है, सब मेरे बिहेवियर को नोटिस करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं इसको सब नोटिस करेंगे। तो ये ऑडियंस साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है, और उसके बारे में कुछ डिस्टॉर्टेड इमेजेस ये बना लेते हैं, कुछ विकृत छवियां बना लेते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये कल्पनाएं हैं, रियलिटी तो है नहीं, और एडोलेसेंस जो है जो काफी कल्पनाओं में रहते हैं इस तरह की, ठीक है, स्वयं के बारे में, अपने साथियों के बीच जो है उनके संबंधों की विकृत छवियां उनमें से एक हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो ये इमेजिनरी ऑडियंस का पार्ट है। देखो पीयर प्रेशर नहीं होगा, पीयर प्रेशर मतलब जब पीयर कुछ दबाव दबा रहे हैं, सेल्फ कंसर्न नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि देखो सेल्फ कंसर्न ठीक है, वो सेल्फ कंसर्न तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है, एडल्ट प्रेशर नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, इमेजिनरी ऑडियंस, जिसमें उनको लगता है कि हर कोई जो है उनको देख रहा है, उनके दोस्त हो गए, उनके साथी हो गए, या जो भी उनको जानने वाले हैं, और फिर उसके बारे में कुछ इमेजेस बनाते रहते हैं, जो मतलब बहुत कभी कभी बेस्ट अच्छी डायरेक्शन में जा सकती हैं, और मोस्टली वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव में इसलिए क्योंकि इतना ओवर कॉन्शियस हो जाने से जो है आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब होता है, फिर आप लोगों के बारे में भी गलत गलत सोच सकते हो कि नहीं ये ऐसा सोचेंगे, ये ऐसा सोचेंगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव थॉट्स का एक ये लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है, मैजिक मिडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग
थ्योरीज, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है मैजिक मिडल, ठीक है, ये आपको बताना है। मैजिक मिडल होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फटाफट आंसर करो इसका, ठीक है। मैजिक मध्य बोलेंगे या फिर मैजिक मिडल, जो भी बोलो, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की, ठीक है। अब ये मैजिक मिडल है क्या, आप सबने ZPD तो पढ़ लिया होगा, है ना। ZPD मैंने आपको बताया था कि एक जोन होता है, ठीक है। अगर चलो एक बार फिर से बना देती हूँ, ये देखो, ठीक है, मैंने कहा था कि अंदर चाइल्ड होता है, यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच सकता है अगर उसको किसी पीयर की हेल्प मिल जाए, अडल्ट की हेल्प मिल जाए, बेसिकली उस इंसान की हेल्प मिल जाए जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो उस इंसान की हेल्प से जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। दिस इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस स्तर तक पहुँच सकता है। तो ये स्तर आपका क्या कहलाता है, ZPD। और ये बाहर का एरिया कौन सा है, ये बाहर का वो एरिया है जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकता भाई, उसका अभी है ही नहीं वो लेवल कि वो वहाँ तक जा पाए, चाहे कितने लोग उसकी हेल्प कराएं, लेकिन वो वहां तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हम हर एक हर स्टेज की कुछ अलग चीजें होती हैं। जैसे आपकी एज अभी सपोज 2 ईयर्स है, मतलब बच्चे की एज 2 ईयर्स है, अगर आप उसको ऐसा काम करने के बोलेंगे जो 6 साल का बच्चा कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता ना, इतनी एज में बच्चा कैसे करेगा। तो ये जो बाहर का लेवल मैं बता रही हूँ ना, ये वही लेवल है, ओके। अब ये जो ZPD का मैंने लेवल बताया है, इसको वाइगोत्स्की ने मैजिक मिडल बोला है, ठीक है। मैजिक मिडल मतलब जादू हो जाता है, जब कोई आपका साथ देता है तो आपका लेवल तो ये है लेकिन आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मैजिक मिडल उन्होंने बोला था। तो बस ये टर्म याद रखो कि जो ZPD का जोन होता है ना, इसको, इस फेज को उन्होंने ZPD को मैजिक मिडल बोला है, ठीक है, बस इतनी चीज़ याद रखो। तो ये टर्म भी आ सकती है पेपर में, अगर आपको ZPD आता है तो, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये मैजिक मिडल है क्या, तो इसके बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो भी है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की डिड नॉट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचेस, ठीक है। तो ये बताना है कौन सी स्पीच के बारे में उन्होंने बात नहीं करी थी, तो ये फटाफट से आंसर करो। 10th क्वेश्चन का, 10th का क्या आंसर होगा, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और कल्चरल स्पीच। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन, चलो ऑप्शन से पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल स्पीच की। जब बच्चा 2 साल तक का होता है, मतलब अप टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स के लगा लो, ठीक है। तो ये 2 साल की जो एज आती है, इसके बाद आपको पता है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब कुछ चीज़ें तो वो सीख ही जाता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, वो थोड़े और लोगों से मिलता है। भाई 2 साल से छोटे बच्चे को तो लोग घर में ही रखते हैं, फिर आप आस पड़ोस में खिलाने लग जाते हैं, थोड़े से मतलब थोड़े और बच्चे भी आ जाते हैं, मतलब इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी सोसाइटी का रोल, सोशलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है 2 साल के बाद। मतलब पहले भी होता है लेकिन थोड़ा और मतलब गूढ़ रूप से, क्या कहते हैं उसको, प्रगाढ़ रूप से जो है वो स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इस टाइम पे बच्चा जो है सोशल स्पीच में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, सोशल स्पीच होगी। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा 3 से 4 साल का होता है, उसकी सोशल स्पीच कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट स्पीच में, ठीक है, प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब बच्चा जो है सोसाइटी से ज़्यादा कम चीज़ें करता है, लेकिन वो अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देता है, जब वो अकेला अकेला भी खेल सकता है, अकेला खेलता खेलता। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जब सोशल स्पीच की बात हो रही है ना, तो बच्चा इस टाइम पे दूसरों को सुनता ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो खुद इतना बोल नहीं पाता, दूसरा उससे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, बेटा मम्मा बोलो, पापा बोलो। तो इस तरह की स्पीच जो होती है ना, ये सोशल स्पीच का पार्ट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा भी कोशिश कर रहा है और सोसाइटी उसको एक रोल, मतलब उसकी स्पीच ऑलरेडी उसकी इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर आता है बच्चा, तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बच्चा अब जो है, अब उसको बोलना आ गया अच्छे से, ठीक है। अब वो कहते हैं ना एरिक्सन के स्टेज में तो वो इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट कर देता है, पर यहाँ पर क्या होता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कि प्राइवेट स्पीच आ जाती है, मतलब बच्चा अपना जो बिहेवियर है उसको डायरेक्ट करता है, अपने बिहेवियर को ठीक करता है, उसको डायरेक्ट करता है। और जैसे कि अपनी गुड़िया से खेल रहा है या अपनी कार से खेल रहा है, तो वो कहता रहता है कि चल इसको ऐसे चलाऊंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, फिर वैसे कर दूंगा, मतलब ये अपने आप से बातें जारी रहती है उसकी, ठीक है। वो मिट्टी में भी खेल रहा है तो खेलते खेलते बातें करने लग जाता है अपने आप से। तो ये अपने आप से जो बातें करता है ना लाउड वॉइस में, जिसको आप सुन सकते हैं, मतलब हम सबको ऑडिबल होती है वो, हम सुन सकते हैं कि बच्चा क्या बातें कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट स्पीच, ठीक है।
फिर एक स्टेज आती है 7 ईयर्स के बाद, जब उसकी जो स्पीच है प्राइवेट स्पीच, 7 to 8 ईयर्स आप कह सकते हैं, मतलब बेसिकली 7 से स्टार्ट हो जाती है, ये प्राइवेट स्पीच कन्वर्ट हो जाती है इनर स्पीच में, ठीक है, प्राइवेट या फिर ये साइलेंट इनर स्पीच में चली जाती है। मतलब अब बच्चा जो है आप उसको सुन नहीं पाएंगे, वो मतलब ऑडिबल नहीं होगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर डायरेक्ट करने के लिए अपने बिहेवियर को बोलता है, ठीक है, और ये इनर स्पीच जो है चलती रहती है। आप अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखती हूँ जब मैं अकेली बैठी हूँ किसी कमरे में, या फिर मैं काफी टाइम से अकेली हूँ, घर में कोई भी नहीं है सपोज, ठीक है, 2 दिन के 3 दिन के लिए सब बाहर गए, तो मैं अकेले क्या मैं अपने आप से बातें नहीं करूंगी, अंदर ही अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और हम इस चीज से अपने आप को एक तरह से डायरेक्ट करते हैं, अपने बिहेवियर को ठीक करते हैं इस चीज से, ठीक है, कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, दिमाग में सोचते रहते हैं, एक स्पीच जो है इनर स्पीच चलती रहती है। तो पियाजे ने इसको साइलेंट इनर स्पीच कहा था, ठीक है, याद रखना साइलेंट इनर स्पीच। ये साइलेंट क्यों बोला, क्योंकि ये साइलेंट आपको बाहर से सुनाई नहीं देगी, कौन इंसान क्या बोल रहा है, अंदर की आवाज, कहते हैं ना मन की आवाज, वो वाली एक इनर स्पीच हो गई जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, ठीक है। तो यानी कि 3 स्पीच की बात करी है उन्होंने, जिसमें हम सोशल स्पीच की बात कर सकते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, इनर स्पीच की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कल्चरल स्पीच का कुछ ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा कि सांस्कृतिक रूप से भी कोई भाषण होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड का उन्होंने यूज नहीं किया है, मतलब इस पूरे वर्ड का, ठीक है, अब वरना ये मत बोलना कल्चर का यूज किया, मतलब कल्चरल स्पीच का उन्होंने ऐसा, कल्चरल प्लस स्पीच इस तरह का कुछ यूज नहीं किया है, तो उन्होंने इन 3 तरह की स्पीचेस की बात की है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो गाइज ये आपके 10 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट कर देना, मैंने देख लिए थे, मतलब जिन बच्चों को वो 4th क्वेश्चन या फिर जो नॉलेज वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो कमेंट्स मैंने एक बार देख लिए थे, सारे नहीं देख पाती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें देख लेती हूँ, तो मतलब जो इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्कस करने लायक होती हैं, वही डिस्कस करती हूँ। एंड बस लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, और मतलब इन क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे, और नोट मेकिंग करते रहिए, ठीक है। साथ में जो भी चीज़ आपको नहीं, आपको पता है कि आप पियाजे वाइगोत्स्की के नाम से एक रजिस्टर बना लीजिए, एक साइड में पियाजे, एक साइड में वाइगोत्स्की, ठीक है। जो भी आपको नई चीज मिली, सपोज कुछ तो आप पहले से जानते हो क्योंकि आप सीटेट क्लियर करके आए हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये चीजें इस तरह से होती हैं, आपने पियाजे वाइगोत्स्की पढ़ा होगा, आपने बीएलएड कोर्स में या डीएलएड कोर्स में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो मतलब जो आपको नई चीज मिलती है उसको फटाफट से नोट कर लिया करो, और उसके बारे में जो बोलती हूँ उसको एक्सप्लेनेशन जो भी होता है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, नोट्स वहीं कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।